के हैं लाल हम धरती के दिल में रहते अरमानों में अपने हिम्मत और हौसले अरे उगले सोना उगले चांदी हिम्मत यारो ऐसी घर ले आए नया सवेरा नई नई खुशहाली हम है किसान हमें रखना है मान देनी है नई हरियाणा के कैथल जिले का ही एक छोटा सा गांव है जाजनपुर। 3000 की आबादी वाले इस गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं। यहां के लोग अपनी जमीनों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि 85 वर्षों से यहीं खेती कर रहे हैं। जाजनपुर का इतिहास भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि यहाँ की जमीन पर जमदाग्नि ऋषि अपनी पत्नी के साथ में रहा करते थे। इसी जमीन पर जमदाग्नि ऋषि ने तपस्या की थी। एक बार परशुराम अपने दल बल के साथ उनके घर पधारे। ऋषि जमदाग्नि ने एक ही गाय के दूध से पूरे समूह के भोजन की व्यवस्था कर दी। परशुराम को आश्चर्य हुआ कि एक गाय इतना दूध भला कैसे दे सकती है। वे उस गाय को अपने साथ ले गए। यानी पौराणिक ग्रंथ भी बताते हैं कि यहाँ की गायें बहुत ज्यादा दूध देती हैं। पता नहीं ये बात अब कितनी सच है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जमदाग्नि ऋषि के नाम पर ही इस गांव का नाम बाद में जाजनपुर हो गया। जाजनपुर गांव का किसान अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। वर्षों खेती करने के बावजूद वो खेती के अलावा और कुछ नहीं सोच पाता। यहाँ की मिट्टी ने किसानों को अच्छी और समृद्ध फसलें तो दी ही हैं, स्थानीय स्तर पर अनेक नायक भी पैदा किए हैं। खेती को एक जुनून की हद तक प्यार करने वाले ऐसे ही एक नायक हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह का जन्म इसी माटी में 1957 में हुआ था। उनके पिता स्वयं एक किसान थे। यानी खेतों से रणधीर सिंह का रिश्ता जन्म से ही है। वे यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन्हीं दूर दूर तक फैले खेतों में रणधीर सिंह बड़े होने लगे। बात उस समय की है जब रणधीर दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। उनके पिता और चाचा अमरूद की खेती करते थे। रणधीर का बाल मन उन्हें खेती करते देखता और सोचता कि कैसे छोटे छोटे पेड़ बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं और फल देने लगते हैं। एक बार उसने अपने पिता और चाचा को अमरूद के पेड़ लगाते हुए देखा। रणधीर ने देखा कि पिता और चाचा जमीन को खोदते, उसमें खाद डालते और फिर कुछ दिनों के बाद जमीन को वे दोबारा खोदते और उसमें खाद डालते। रणधीर ने सोचा कि ये कोई सामान्य प्रक्रिया होगी, लेकिन जब पेड़ों पर अमरूद लगे तो रणधीर ने देखा कि उनके पेड़ों के अमरूद सामान्य अमरूदों से बहुत बड़े हैं। तो बस रणधीर के अवचेतन में ये बात बैठ गई कि यदि धरती को उसकी जरूरत की सामग्री पर्याप्त अनुपात में दी जाए तो वो शानदार परिणाम दे सकती है। मेरा नाम रणधीर सिंह शौकंद है। मेरा गांव जाजनपुर डिस्ट्रिक्ट कैथल में जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था और मैं एक किसान परिवार से हूँ। और मेरे माता पिता किसान थे। पिताजी का नाम श्री शहजादा राम शौकन था, माता जी का नाम रजनी देवी था। और हम 7 बहन भाई थे, 4 बहनें और 3 भाई थे। और मेरे यहीं के स्कूल जाजनपुर के मिडिल स्कूल में शिक्षा 8वीं तक प्राप्त की मैंने। रणधीर सिंह को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेती बाड़ी में लगता था। जब वे 5वीं कक्षा में पहुंचे तो उन्हें गेंदे के फूल बोने के लिए क्यारियां दी गईं। स्कूल के सभी बच्चों को इस तरह क्यारियां दी जाती थीं।
सभी बच्चे अपनी क्यारियां तैयार कर चुके थे, लेकिन रणधीर के मिट्टी और खाद के प्रयोग लगातार चल रहे थे। जब रणधीर की क्यारियों में गेंदे के फूल आए तो सब देखकर दंग रह गए, क्योंकि वे फूल इतने बड़े थे कि उन्हें एक हाथ में नहीं लिया जा सकता था। पूरे स्कूल में उन्हें इस काम के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। मास्टर जी ने खूब प्रशंसा की। पांचवी क्लास में जब मैं पढ़ता था, उन दिनों स्कूल में मेरे को एक टीचर ने, रघुवीर सिंह शर्मा ने मेरे को एक गेंदे की क्यारी दी भी, आपने इसमें गेंदा अच्छा उगाना है। और उसमें मैंने 6 फुट के गेंदे उगाए थे, जिसका फूल का बहुत बड़ा आकार था। जब मैं गेंदे की क्यारी में फर्स्ट आया, और फर्स्ट आने के बाद प्रथम आने के बाद मेरे को टीचर ने अपनी आधी तनख्वाह मेरे को इनाम में दी थी, और वो 55 रुपये थी आधी तनख्वाह उनकी। और उसमें फिर मेरा मन चक्कर खा गया कि मैंने खेती करनी है और खेती करूँगा, और एक इंडिया का रिकॉर्डर फार्मर बनूँगा मैं, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बना करके। वहीं से फिर मैंने पाँचवीं क्लास में पढ़ते मैंने हल बाना सीख लिया था, और 8वीं में पढ़ते हुए तो मैंने अपने खेत में पूरी खेती की थी। कामयाबी की मिसालें, महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। कामयाबी की मिसाले। स्कूल की पढ़ाई रणधीर सिंह को रास नहीं आई, वे जीवन की पाठशाला से नए नए सबक सीखना चाहते थे। 8वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वे अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी करने लगे। परंपरागत तरीकों से सब्जियां उगाना उन्हें पसंद नहीं था, वे सब्जियों की खेती में नए नए प्रयोग करना चाहते थे। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई ने कहा, अभी आप खेती ना करो, आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके आप अच्छी पढ़ाई करके आप किसी डिपार्टमेंट या किसी उसमें मिलिट्री में भर्ती हो जाना, अच्छी जगह आप खेती ना। मैंने कहा भी मैंने खेती किसान बनना है, मैंने एक रिकॉर्डर किसान बनना है, मैं खेती करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा। वक्त अपनी गति से बीतता रहा और रणधीर सिंह के भीतर परिपक्वता आती रही। उन्हीं दिनों खेती जब मैं करने लगा, मेरे पास एक एडियो आ, जब मैं अड़बाने लग रहा था तो एडियो आके बोला, भाई तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं खेती करता हूँ और खेती करूँगा। बोला मैं आपको ट्रेनिंग करवाऊँ। तो ये 1973 में फिर मेरे को वो सितंबर के महीने में मेरे को, हमारा ब्लॉक पुंडरी था, वहाँ पुंडरी लेके गया, वहाँ मेरे को ट्रेनिंग करनी शुरू की मैंने। उन्होंने मेरे को वहाँ से कृषि चर्चा मंडल का मेंबर बनाया। 1974 में मैं कृषि चर्चा मंडल का मेंबर बन गया, और मेंबर 74 से लेकर 81 तक मैं उसका मेंबर रहा। रणधीर सिंह स्वयं नहीं पढ़ पाए, लेकिन वे शिक्षा के महत्व को जानते थे। शायद यही वजह है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन में मेरे पास मेरी जो ज़मीन थी लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन थी, और 1.25 एकड़ ज़मीन मैंने मोल ली, और बच्चों को भी मैंने अपना पढ़ाया। बच्चों को मैंने हॉस्टल में रखा, कन्वेंट स्कूलों के अंदर पढ़ाया। कभी भी मैंने ना बच्चों के लिए लोन लिया, ना मैंने अपनी खेती के लोन लिया, और 1.25 एकड़ ज़मीन मैंने मोल भी ली, और कभी किसी बैंक से ऋण लेने के लिए नहीं गया। रणधीर सिंह लगातार ये प्रयास करते कि उनका नाम जाजनपुर के बाहर भी लोकप्रिय हो। वे अपने खेतों में लगातार प्रयोग कर रहे थे। उनके प्रयोगों को सफलता मिलनी शुरू हुई 1998 में। रणधीर सिंह ने अपने खेतों में 4.5 फीट की लौकी, 19 इंच लंबी लगभग 3 किलो की अरबी, 3 किलो का रसालू, 5 किलो की शलगम और 700 ग्राम का लहसुन बोकर आसपास के किसानों को चकित कर दिया। मेरे मन में शुरू में थी मैं एक रिकॉर्डर फार्मर बनूं, मैं रिकॉर्ड बनाऊं। जब मैं रिकॉर्ड बनाने लगा, मैंने अलग अलग किस्म के अलग अलग बीज लेके आया, जैसे बेल वाली सब्जियां सारी मैंने ऊपर चढ़ाई टहने गाड़ करके, वृक्ष का टहना काटा और गाड़ करके उसको ऊपर चढ़ा के देखा, और जी
दूसरी चीज़ें घी है, जैसे शुरू में 4 फुट की बनी मेरी, फिर 4.5 फुट की बनी, फिर 5 फुट की बनी। हर प्रतिदिन में नई नई वैरायटी लेकर के लगाता था, लगाता देसी था, ये नहीं मैं हाइब्रिड नहीं, जितनी भी मैंने रिकॉर्ड बनाए सारी देसी वैरायटियों के हैं ये। और देसी वैरायटी और हाइब्रिड में खाने में बहुत अंतर है, खाने में बहुत अंतर है। हाइब्रिड की एवरेज तो ज़्यादा है, मानते हैं एवरेज ज़्यादा है, एवरेज ज़्यादा है, तो मतलब मिठास इतना नहीं है जितना देसी वैरायटियों के अंदर मिठास है। परंतु हमने भी जैसे हाइब्रिड भी लगाई, जैसे यहाँ हमारी जो सी देसी वैरायटियाँ और ऑर्गेनिक होते हैं इसका पैसा कम मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास कोई बड़े शहर नहीं है, तो उसमें उसमें कोई खास अंतर नहीं। बराबरी 5 रुपया का बड़ी मुश्किल से फ़र्क आता है किलो में, भी ऑर्गेनिक कह के बिक जी, नहीं तो जैसे हाइब्रिड दूसरी चीज़ें टमाटर हैं, भिंडी हैं, दूसरी चीज़ें, इनकी एवरेज ज़्यादा है। हम मंडियों में लेके जाते थे, पहले टोकरियों में ले जाते थे, उसके बाद क्रेट में ले जाने लगे, तो क्रेट के हिसाब से बिकता था। तो जो किसान खेत में, कैसे किसान को ज़्यादा रेट मिलता है, किसान अगर तोड़े और वैसे भर दिया टोकरी के अंदर तो किसान को रेट नहीं मिलेगा। अगर किसान ग्रेडिंग करके ले जाता है, जैसे टमाटर है, मैं हर एक टमाटर के पीस पे वो कपड़ा मारता था, हर एक पीस के ऊपर, हमारा पूरी फैमिली यहीं ले आके हम अपना ढेर लगा देते थे इसी चौक के अंदर, और यहाँ पर ला के हम उसकी ग्रेडिंग करते थे, और ग्रेडिंग करके एक एक पीस को अलग अलग टोकरी में डालते, छोटा छोटी में, बड़ा बड़ा में, बराबर की ग्रेडिंग करके उसमें बड़ा पैसा मिलता था। जैसे अगर हम वैसे बेचते कम से कम किले में 15-20 हज़ार रुपये का फर्क रह जाता है ग्रेडिंग करने से। सब्जियों को विशाल आकार और गुणवत्ता देने वाले रणधीर सिंह एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। स्थानीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया में उनके बारे में खबरें छपने लगी थीं। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। सबसे लंबी लौकी, सबसे लंबी और भारी अरबी, करेला, लहसुन और शलगम पैदा करने के लिए अब जाजनपुर का ये किसान एक नामचीन हस्ती बन चुका था। एक छोटा किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा था। रणधीर सिंह अपने ही रिकॉर्ड्स को बेहतर करते रहे और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनकी मौजूदगी एक सफल किसान के रूप में बनी रही। 2014 में उन्होंने 26 इंच लंबी गाजर पैदा की, ये भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन रणधीर सिंह केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए सब्जियों के साथ ये प्रयोग नहीं कर रहे थे, और ना ही उनका इसके पीछे कोई और मकसद था, बल्कि वो तो देश में किसानों को एक अलग पहचान दिलाना चाहते थे। उनको मिलने वाले पुरस्कारों की फहरिस्त लगातार बड़ी होती जा रही थी। अरबी है और ये जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरू में लगाई जाती है, और इसका 10 से 12 मण के करीब ये एक एकड़ में लगती है, लगभग 10 कट्टे करीब। और इसमें एमिसान का ट्रीटमेंट होता है, एमिसान दवाई से, या ऑर्गेनिक करना है तो गाय का गोबर मूत्र दोनों चीज़ें मिला के नीम के पत्ते, उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ये 3-4 महीने की फसल है, अब ये पक्के तैयार होगी और थोड़े दिन में ये पक्के ये उखाड़ना शुरू कर देंगे। जब इस पे फूल आ जाता है तो पकनी शुरू हो जाती है। ये 80 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल तक इसकी पैदावार निकल सकती है एक एकड़ के अंदर, और ये 10-12 से लेकर 20 रुपये तक भी इसका रेट चला जाता है, किलो के हिसाब से बिकती है। लाखों रुपये के एक एकड़ में ये फसल निकल जाती है जी। इन रिकॉर्ड्स और पुरस्कारों ने रणधीर सिंह को एक नई पहचान दिला दी थी। वे अपने खेतों में विभिन्न सब्जियां पैदा करते रहे। इसके अलावा धान और गेहूं की फसलें भी वे लगातार बोते। अपनी फसलों के बारे में बताते हुए वे बहुत सुकून महसूस करते हैं। जिंदगी ने उन्हें आगे बढ़ने का सबक सिखाया था। यही वजह है कि वे 42 साल की खेती के दौरान पैदावार के मामले में 82 बार राज्य में प्रथम आए और 52 बार दूसरे स्थान पर। ये रणधीर सिंह की प्रगतिशीलता को ही दर्शाता है। सफलता मिली तो रणधीर सिंह का दायरा भी बढ़ने लगा। वे कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों में रुचि लेने लगे। यहाँ से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ छोटे किसान भाई भी हैं, जैसे मैंने नाम लिया किसान भाई का रणधीर सिंह जाजनपुर से, रणधीर सिंह शोकन, उनके पास ज़मीन भी बहुत कम है, वो छोटे किसान हैं। उन्होंने आरंभ में जो ट्रेडिशनल खेती है
जो बुज़ुर्गों के द्वारा शुरू की गई है वही खेती करते थे। लेकिन जब ये लगातार हमारे संपर्क में आने लगे तो इन्होंने सोचा कि कुछ नया करके दिखाया जाए। तो इन्होंने विशेष तौर पे अलग अलग सब्जियों में एक डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण को लेकर के इन्होंने प्रयोग शुरू किए हमारे मार्गदर्शन में, और काफ़ी इन्होंने सब्जियां एक ऐसी ग्रो की जो विश्व स्तर पर जिनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और ये एक तरह से हमारा एक ओरिजेंटल स्प्रेड जो होता है, हम जो बताते हैं आगे ज़मींदारों के पास जाकर के बताते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस तरह से किसान खुद ही आगे आकर के खुद अपनी भी हेल्प करते हैं और किसान भाइयों की भी हेल्प करते हैं और एक हमारा भी संदेश देने में हमारी मदद करते हैं। हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं रणधीर सिंह जी शोकम, जो लगभग 70 के दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच में प्रभाव आया जब वो कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से जुड़े। 90 जैसे एक दिन 1/12/1992 को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कैथल का उद्घाटन हुआ, उससे पहले भी वो खेती करते थे, लेकिन उसके आने के बाद उन्होंने एक जुनून सा पैदा हो गया उनके अंदर, और वो सब्जी उत्पादन में खासकर उनका, क्योंकि वो छोटे किसान हैं तो सब्जी उत्पादन में उनका कई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनके नाम दर्ज हैं। वो चौधरी जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, चौधरी छोटू राम किसान अवार्ड है उससे भी सम्मानित हैं, और राज्य स्तर अभी हमारे जो नई सरकार है उन्होंने भी उसको 26 जनवरी पे सम्मानित किया है। वो भी बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं, हर तकनीक को किसान क्लब के बल्कि वो उप प्रधान भी रह चुके हैं, और नई नई तकनीक को जो हमारी विश्वविद्यालय की या कृषि विज्ञान केंद्र की नई तकनीक है उसको किसानों तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। अब रणधीर सिंह दूसरे किसानों के लिए काम करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके साथ किसान भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें। दूसरे किसान अब रणधीर सिंह का गुणगान करते थकते नहीं थे। आसपास के लोग थे जो अच्छे खेती करते थे, सब्जियां करते थे, इन्होंने अपना टमाटर दिखाया तो इनका टमाटर सेब जैसा लाल और साइज में बड़ा, खाने में स्वादिष्ट, और हिसार से इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जितना भी टमाटर आपका ये सारा हमको दो। सुबह फोर व्हीलर भरता, लोग देखते कि भी रणधीर के खेत से तो ये जा रहा है, लोगों का रुझान इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया। फिर ये लोग इनको पूछते भी आप कैसे करते हो, फिर लोगों को इन्होंने भी गाइडेंस दी कि आप इस तरीका से, जैसे मैं तरीका से करता हूँ आप इस तरीका से करिए और आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो लगाने से 6-7 महीने के बाद फिर कुदरती फ़ायदा मिलने लगा। फिर इसका दूसरी सब्जियों में भी, और सतावर एरा वगैरह में भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, अरबी में इसने रिकॉर्ड तोड़ा, लहसुन में इसने रिकॉर्ड बनाया। तो जो डॉक्टर थे हिसार के अंदर, वो इसको नाम से जो मेला होता था उसके अंदर नाम से बुला के इसको स्टेज के ऊपर सम्मानित करते, इसकी चीज़ें दिखाते, वहाँ पर तो हज़ारों लोग होते थे, सबके सामने ये दिखाते थे भी ये रणधीर सिंह ने पैदा किया। नकदी में जैसे हम टमाटर भिंडी या दूसरी सब्जियों उगाते थे, डेली अपनी सब्जी मंडी में ले जाते थे और नकदी पैसे आता था डेली, और उससे अपना काम खर्चा चलाते थे, अपने बच्चों की फीस, अपनी खेती का खर्चा सारा उसी से चलाते थे। कामयाबी की मिसाल गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अपने विकास को नई दिशा देते हुए रणधीर सिंह प्रगतिशील किसान क्लब कैथल के उपाध्यक्ष बन गए। वे नियमित रूप से किसान क्लब की बैठक हर माह की 10 तारीख को बुलाते हैं और साथ ही किसानों से वे रूबरू होते हैं। हम अपने किसान क्लब की जो मीटिंग होती है महीने के 10 तारीख को, उसमें हम अपना जो ज्ञान है वो सारा वहाँ पर बांटते हैं, किसानों को मीटिंग के अंदर सारी बातें बताते हैं। इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल के 5-6 किसानों को नेशनल अवार्ड मिला है, और बाकी किसान भी हमारे 5-6 किसान उसकी लाइन में लगे हुए हैं, जो कि पूरे देश में आज तक 10-12 ही मिले हैं। एकदम किसानों के लिए किए गए रणधीर सिंह के नायाब कामों को उस समय और पंख लग गए जब सन 2000 में उन्हें जगजीवन राम किसान पुरस्कार दिया गया।
ये पुरस्कार उन्हें तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया। कृषि रत्न पुरस्कार उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया। इसके अलावा भी उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज तक मैंने जितने सर्टिफिकेट जीते हैं वो 82 बार मैं स्टेट में फर्स्ट आया हूँ और 52 बार सेकंड आया हूँ और 29 बार तीसरे नंबर पर रहा हूँ। आज तक 17 लिम्का बुक में मेरे रिकॉर्ड हैं। 6 रिकॉर्ड थे मेरे 1998 में 4.5 फुट घिया का, 19 इंच करेले का, 19 इंच लंबी अरबी का 2 किलो 900 ग्राम का और 700 ग्राम लहसुन का, 3 किलो का रतालू का और जी 5 किलो की शलगम का जी। 2014 में 26 इंच लंबी गाजर जो दो किलो वजन था और 3 किलो 490 ग्राम की हल्दी का रिकॉर्ड मेरा 2014 में आया। हरियाणा में सबसे पहले मैंने नेशनल अवार्ड जीता, वो मेरा नेशनल अवार्ड 16 जुलाई 2001 को मिला था, जो कृषि मंत्री नीतीश कुमार ने मेरे को नेशनल अवार्ड दिया। बेहद विनम्र और सरल स्वभाव वाले रणधीर सिंह का पारिवारिक जीवन भी एकदम सादा है। अपने बच्चों को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब पूरे हो चुके हैं। वे चाहते थे कि अपने 2 बेटों में से एक को देश की सेवा के लिए फौज में भेजें और एक अपनी माटी की सेवा करें। जब मैंने HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जाकर देखा तो मैं दंग रह गया, अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो सिस्टम देख के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों का वहाँ पर फार्म पर देखा, अच्छी अच्छी नई नई किस्में देखी और नई नई किस्में देख करके जब मैंने देखा उनका रहन सहन देखा, मैंने भी एक ठान ली कि मैं अपने बच्चों को यहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में ही पढ़ाऊँगा। जब मैंने अपने बेटों को उत्साहित किया कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ो और साइंटिस्ट बनो, तो मेरा बेटा जो बड़े वाला था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसने प्लांट ब्रीडिंग में PhD करते करते उन्होंने वहाँ पर STU एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लग गया, जो आजकल डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सोनीपत में है। दूसरा बेटा, मैंने सोचा मैं अपने एक बेटे को देश की सेवा के लिए तैयार करूँ, उसको मैंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ाई के लिए छोड़ा। वहाँ पर उन्होंने +2 करके और वो NDA में सेलेक्ट हो गया, परंतु वो NDA में गया नहीं, क्योंकि ये मेरे को ये बोला, पिताजी मैंने दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं एक बाउंड्री के अंडर रहा हूँ, मैंने देश और अपने गांव के बारे में भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा बेटे तू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ ले। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हिसार में MSc करता करता वो भी मिलिट्री में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया। रणधीर सिंह अब किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसान अब तक जिन समस्याओं से जूझता रहा है उन समस्याओं का समाधान हो। किसान अब नई तकनीक से जुड़कर विकास के नए रास्ते तलाश करे, वो कामयाब हो और कामयाबी की नई नई मिसालें कायम करे। एक साथ में तेरी माया है अपरंपार, जगत में तू एक से कोई और नहीं दूजा। ब्रह्मा का हो विष्णु का हो शिव जी का हो सत्री हिमान, ब्रह्मा बनकर रचना रचै विष्णु पाले कर कह बयान, सब जीवन व्यापार करे माया तेरी बेअनुमान, सब जीवन व्यापार करे माया तेरी बेअनुमान, भक्तों ऊपर दया कर बस बिचरूं मरूं। कामयाबी की मिसालें